हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? तो हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाले लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड दैट इज द टॉपिक था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड प्लाज्मा के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में, अबाउट दी ऑल वी हैव डिस्कस्ड। एंड नाउ इसके हमने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन में जो मेन पार्ट्स आते हैं जो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद करते हैं, जो मिल करके ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें पहला था ब्लड था, दूसरा था हार्ट था और तीसरा ब्लड वेसल्स था। ठीक है, तो हम लोगों ने दो को कवर कर लिया है। किसको कवर कर लिया है? ब्लड को कवर कर लिया है और हार्ट को भी हमने कवर कर लिया है। व्हाट इज द पंपिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये सब के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। आज जो तीसरा पार्ट है, जो ब्लड वेसल्स है ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो तीसरा पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स। और उस ब्लड वेसल्स का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ह्यूमन के बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई के लिए जो वेसल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। दैट वेसल्स सप्लाई द ब्लड इन होल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन के बॉडी के अंदर पूरे ब्लड की सप्लाई करता है कौन? करता है ब्लड वेसल्स करते हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स नेटवर्किंग में बटे हुए रहते हैं, डिवाइड कर किए हुए रहते हैं और बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यू को ले जा करके अपने ब्लड को देता है। ठीक है, और फिर वो ब्लड वहां से कलेक्ट होकर के और हार्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का मेन काम क्या हो गया कि द ब्लड वेसल्स ब्रांच्ड, रीब्रांच्ड एंड ट्रांसपोर्ट द ब्लड इनटू द डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स। ठीक है, और आज उस ब्लड वेसल्स का हम लोग जिक्र करेंगे और जितने जो नेटवर्किंग उसका बनता है, ब्लड वेसल्स के जितने भी नेटवर्किंग बनते हैं, जितने भी ब्रांचेस बनते हैं, द ऑल ब्रांचेस आर ज्वाइंट टू द ईच अदर। और वो सभी ब्रांचेस एक दूसरे से क्या होते हैं? एक ज्वाइंट होते हैं और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन का जो ब्लड वेसल्स है, जो कैपिलरीज है, जो आर्टरीज है, वेन्स है, ये सब कहीं पर ओपन नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच है। इसलिए हम लोगों के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड चेन होता है, नॉट ओपन चेन। आइए, तो आज हम लोग को जो पढ़ना है थर्ड नंबर, वो है ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स का आज हम लोग जिक्र करेंगे। ब्लड वेसल्स, ओके स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स तीन तरह का होता है। अभी काम हमने बताया, क्या काम है इस ब्लड वेसल्स का? कैरीज द ब्लड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इस ब्लड वेसल्स का काम है कि ब्लड को सप्लाई करता है। अब ये ब्लड वेसल्स तीन तरह का होता है। ठीक है, पहला, अब आइए इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया कितने तरह का? थ्री टाइप्स का हम कर देते हैं यहीं पर। ये हो गए थ्री टाइप्स के, और एक का नाम होगा आर्टरीज, दूसरे का नाम होगा वेन और तीसरा का नाम होगा ब्लड कैपिलरीज। कितने हो गए स्टूडेंट्स? थ्री, है ना, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ये पहला हो गया क्या? आर्टरीज। सेकंड नंबर हो गया वेन्स, और थर्ड नंबर हो गया ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, तो ये तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं तीनों का अलग अलग हम जिक्र करते हैं। आर्टरी का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाता है। वेन का काम ये है कि यह डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और यह पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट में ले आता है।
और ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है कि ये कैपिलरीज, अभी हम लोग उसे जिक्र करेंगे। यहाँ पर O2 और CO2 या वेस्ट प्रोडक्ट या क्या कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड के अंदर आता है उसका एक्सचेंजिंग होता है सेल्स, टिश्यू और ब्लड के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक्सचेंजिंग का काम होता है। यहाँ वेन के द्वारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है ब्लड से हार्ट की तरफ, बॉडी से हार्ट की तरफ। और आर्टरीज का काम क्या हो गया कि ये ब्लड को कैरी करता है हार्ट से बॉडी की तरफ। ओके, अब इसका देखना है कि आर्टरी जो है इसके जो वाल होता है वो वाल थिक होता है या थिन होता है, वेन का वाल थिक या थिन होता है, कैपिलरीज का वाल थिक या थिन होता है। तो आइए वन वन करके हम लोग स्टडी करते हैं। आर्टरी जो होता है दैट आर वाइड एंड थिक इलास्टिक, ठीक है, क्या होता है यह आर्टरीज चौड़ा होता है वाइड, ठीक है जी, थिक से वाल, थिक वाल वाला होता है एंड इलास्टिक, और इलास्टिक भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, वाइड होगा, थिक होगा, थिक वाल वाला होगा और इलास्टिक होगा। काम क्या करता है, क्या कैरी करता है, या अभी आपको मैंने बताया है कि दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या काम कर रहा है, कैरीज, कैरी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सी जिनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट, कहां से कहां तक, तो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन्स, हार्ट से बॉडी ऑर्गेन्स की तरफ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद एओर्टा जो होता है, स्टूडेंट्स आपको पीछे हमने पढ़ाया था जब हार्ट पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि हार्ट से जो ऑक्सीजन ब्लड बाहर की तरफ आता है वो एक मेन आर्टरी से आता है और उस आर्टरी का नाम था क्या, एओर्टा। तो एओर्टा इज द मेन आर्टरी विच विच कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, और वही एओर्टा आगे चल करके डिवाइड एंड री डिवाइड होता है, जो जो आर्टरीज और आर्टरीज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो नाउ एओर्टा इज मेन आर्टरी, एओर्टा क्या है स्टूडेंट्स, AORTA, एओर्टा, ठीक है, एओर्टा इज मेन आर्टरी, मेन आर्टरी है यह। और आपको फिगर कहीं याद होना चाहिए कि हमने एक फिगर बनाया था, हार्ट का फिगर बनाया था, याद आ रहा है, देखिए ये दोनों ऑरिकल था और ये वेंट्रिकल था, दोनों ये दोनों वेंट्रिकल थे। ठीक है, तो ये था राइट वेंट्रिकल और ये था लेफ्ट वेंट्रिकल, ये था राइट ऑरिकल और ये था लेफ्ट ऑरिकल। ओके स्टूडेंट, तो राइट वेंट्रिकल से यहां से एक कैप ब्लड वेसल्स निकल रहा था यहां से, ठीक है, और वो जा रहा था कहां पर, लंग्स के अंदर जा रहा था, और इसको नाम दिया गया था क्या, पल्मोनरी आर्टरी नाम दिया था। और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक मेन ब्लड वेसल्स निकला हुआ था और वो ब्लड वेसल्स यहाँ से ब्लड को लेकर के और हार्ट से देखो बाहर निकल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही मेन जो आर्टरी हार्ट से बाहर निकल रहा है दिस इज द एओर्टा, AORTA, एओर्टा। आई बात समझ में, चलिए अब आप देखो जो ये एओर्टा है, और हमने ये भी बताया था कि हार्ट के राइट साइड में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, यानी कि इस पार्ट में कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये क्लियर, तो आपको देखना है कि ये जो एओर्टा है वो किस साइड से निकल रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है जिधर जिधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है। तो ये वो नली है ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करने वाला मेन आर्टरी है जो हार्ट से बाहर निकल रहा है, और दैट मेन आर्टरी इज कॉल्ड द एओर्टा। नाउ तो वही हमने यहां लिख दिया कि एओर्टा इज मेन आर्टरी, एओर्टा क्या है, मेन आर्टरी है, लेकिन इस आर्टरी का एक एक्सेप्शन भी है एंड दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि वो आर्टरी जिसमें ऑक्सीजन ब्लड कैरी नहीं होता है उसमें डी ऑक्सीजन ब्लड कैरी होता है, बट वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रहा है, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाले सारे ब्लड वेसल्स आर्टरी हैं। ठीक है, और हार्ट के अंतरफ ब्लड लाने वाले जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो वेन हैं, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन आ जाता है, एक आरटी में भी एक्सेप्शन है और एक वेन में भी है।
एक ऐसा आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड को दूर तो ले जाएगा लेकिन वो डीऑक्सीजनेट ब्लड को ले जाएगा। और तो आइए उसकी बात मैं यहाँ करता हूँ, एक्सेप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका एक एक्सेप्शन है आर्टरी का, और वो एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी है ना। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है कैरीज कैरीज पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। देखो कहां से? राइट यानी कि हार्ट से कहां ले जाएगा? लंग्स के अंदर ले जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल डायग्राम बनाया था। तो कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स की तरफ वो ब्लड को ले जा रहा है। लेकिन कैसा ब्लड ले जा रहा है स्टूडेंट्स? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। तो ये एक्सेप्शनल हो गया, कौन? पल्मोनरी आर्टरी। और वो पल्मोनरी आर्टरी देखो ये है जो कहां से निकल रहा है? राइट वेंट्रिकल से। कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजन ब्लड। ओके नाउ, और अब इसके बाद हम आते हैं कहां पर? आपको वेन्स के अंदर, वेन की अगर हम लोग बात करें तो वेन का वॉल क्या होता है देखो देते हैं यहां पर कि थीन वॉल्ड होते हैं। यहाँ ये थिक वॉल्ड था और ये हो गया क्या चीज स्टूडेंट्स? थीन वॉल्ड होता है, थीन वॉल्ड। ठीक है, थीन वॉल्ड और हैविंग वॉल्व्स, और हैविंग वॉल्व्स। और वेन पर क्या पाए जाते हैं? वॉल्व्स पाए जाते हैं जो ब्लड को एक साइड में ही जाने देता है। ठीक है, तो ये हो गए वॉल्व्स, वॉल्व्स वाले होते हैं ये वेन्स। और क्या होता है ये? यहाँ पर ये कैरी कर रहा था क्या चीज? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कैसा ब्लड कैरी करेगा? तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे ब्लड को ले जा रहा है यहाँ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन द ओ टू, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ओ टू का अमाउंट कम है। ओके, तो ये हो गया वेन की बात कि ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजन ब्लड। कहां से कहां तक? डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम, ये ले रहा था हार्ट से बॉडी की तरफ, ये उल्टा काम करेगा बॉडी से हार्ट की तरफ। फ्रॉम बॉडी ऑर्गेन्स, फ्रॉम बॉडी ऑर्गेन्स टू हार्ट, अपोजिट है। तो ये बॉडी ऑर्गेन्स टू हार्ट और ये था हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन, ये याद रखेंगे। ओके क्लियर एवरीबॉडी? नाउ अब वेन्स की बात जब हो गई तो इसके में भी एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। यहां पर भी क्या है? एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? दैट इज द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन है। और पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है? तो ये कैरीज करता है, कैरीज कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सी जिनेटेड ब्लड फ्रॉम कहां से कहां? लंग्स टू हार्ट। देखो हार्ट की तरफ ये भी ब्लड आ रहा है। ठीक है, कहां पर बाबू? यहां देखो, यहां समझो लंग्स है यहां पर, ये थायोटा मिटाया इसको। अब लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, ओ टू सीओ टू का एक्सचेंजिंग हो गया यहां पर। आ रही समझ बात कि इस लंग्स के अंदर ओ टू सीओ टू का एक्सचेंजिंग हो गया, कैसा ब्लड आया था इसमें? डीऑक्सीजनेट। अब यहां से लंग से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और वो ऑक्सीजन ब्लड जिस कैपिलरीज के थ्रू, जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर से हार्ट में आएगा, फिर से कहां आएगा? हार्ट में आएगा, यानी कि इधर से जा रहा है और इधर से फिर ये बैक हो रहा है। ठीक है, तो लंग से लेकर के और हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। यही तो है बाबू पल्मोनरी वेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, यही है पल्मोनरी वेन। तो क्या हो गया? पल्मोनरी वेन कहां से कहां तक ब्लड कैरी कर रहा है? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, है ना। ठीक है, चलिए तो ये दो की बात हम लोग कर लिया, आर्टरी और वेन्स के बारे में। अब आते हैं कैपिलरीज के बारे में, थोड़ा सा जिक्र करते हैं हम लोग। ठीक, कैपिलरीज क्या है? तो थोड़ा सा लैंग्वेज इसका हम नोट कर ले पहले। द आर्टरी डिवाइड्स इनटू, अरे आर्टरी क्या होता है कि जब डिवाइड करता है, रीडिवाइड करता है, तो उससे आर्टेरियोल्स बनता है। और आर्टेरियोल्स जब डिवाइड करते हैं
तो कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ब्लड कैपिलरीज द आर्टरी डिवाइड्स इनटू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर वेसल्स डिवाइड्स इनटू स्मॉलर वेसल्स on reaching an organ or tissues. Okay students, which brings blood in contact with which brings blood in contact with all the individual cells. Now next, capillaries are one cell, ये important है. Capillaries are one cell thick wall. These walls are permeable. कैसा होता है बाबू? Permeable होता है बच्चों, है ना? These are the permeable, thick cell wall and permeable. So that water and dissolved substances pass in and out. Okay student, exchange in and out और क्या काम करेगा? Exchange O2 CO2 dissolved nutrients and excretory products. चलिए स्टूडेंट आप इसको जरा समझो, क्या कह रहा है कि the artery divides into smaller vessels. Arteries क्या होता है? Smaller vessels में divide करता है. और रीचिंग ऑन ऑर्गन या टिश्यू, जब किसी ऑर्गन या टिश्यू पर वो पहुंचता है आर्टरी, तो डिवाइड करता है. विच ब्रिंग्स ब्लड, जो ब्लड को लाता है इन कॉन्टेक्ट विथ ऑल द इंडिविजुअल. और जब वो डिवाइड करेगा, डिवाइड होने के बाद जो ब्रांचिंग जाएगा सेल और टिश्यू के पास, तो वो सेल और टिश्यू ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स का सेल और टिश्यू तक ये सारे मटेरियल को पहुंचाएगा. किस किस चीज को पहुंचाएगा? वाटर को पहुंचाएगा, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा, और हार्मोन्स आ रहा है उसको पहुंचाएगा, ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंजिंग कराएगा. ये सारी कामें हो रहती हैं. तो आप इसको फिगर से जरा देख लो कि यहाँ पर हो गया यह आर्टरी आपका, ये एक आर्टरी है, ठीक है, ये एक आर्टरी हो गया जो ब्लड को इसमें ला रहा है, ठीक है. क्या ये क्या है? तो आर्टरी मान लिए, ये हो गया आर्टरी. और कैसा ब्लड आता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ रहा है. अब कह रहा है कि ये आर्टरी क्या कर रही है? यहां पर ब्रांच, यहां से अब इसमें से ब्रांच निकल गया, तो जो ब्रांच निकल गया दिस इज द आर्टेरियोल्स. क्या हो गया? यहाँ आर्टेरियोल. कैसा ब्लड आ रहा है इसमें? ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है. और यहां पर कह रहा है कि
द आर्टरी डिवाइड्स इनटू ए स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग एन ऑर्गेन और टिश्यूज। तो मान लो स्टूडेंट्स ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स है यानी कि टिश्यू है यहाँ। क्या हो गया यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो कह रहा है कि जब ये पहुंचता है यहाँ पर टिश्यू के पास तो ये यहाँ से आके ये ब्रांच हो जाता है। एक सेकेंड ठीक है ओके तो ये जब आ रहा है आर्टेरियोल आर्टरी है यहाँ डिवाइड कर गया यहाँ तो ये हो गया क्या आर्टेरियोल आर्टेरियोल हो गया है। और जब ये टिश्यू ये पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू है तो यहाँ पर जब ये पहुंचा तब तो ये डिवाइड कर गया ठीक है ये डिवाइड कर गया। देखो डिवाइड करके हाँ चलिए ये डिवाइड कर गया और फिर इधर आकर के सारे ब्रांचेस। अब जो ये डिवाइड कर गया ये सब क्या है ये सब सेल है। क्या ये सब ये हो गया सेल और पूरा सेल के ग्रुप को क्या कहेंगे टिश्यू हो गया यानी कि पूरा ये ग्रुप क्या है टिश्यू है। क्या है यह पूरा टिश्यू है ठीक। अब यहां पर से जब ये जो ब्रांचिंग हुआ है आर्टेरियोल का दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। तो ये क्या कहलाता है कैपिलरीज कहलाता है और ये कैपिलरीज का जो वाल होता है ये वाल कैपिलरीज का है। तो ये वाल क्या कह रहा है कि सिंगल थिक वाल सिंगल सेल का थिक वाल होता है ठीक है। हमने यह लिखा भी है कि दीज वाल्स आर दैट व्हाट कैपिलरीज आर वन सेल थिक। कैपिलरीज का जो वाल होता है वो एक ही सेल का थिक बना हुआ रहता है। जैसे मान लो कि एक वाल है यहाँ तो एक सेल यहाँ दूसरा सेल यहाँ तीसरा सेल यानी कि एक सेल वाल का ये थिक एक सेल का थिक वाल होता है यहाँ। ऐसा नहीं कि इस वाल में बहुत सारे लेयर्स है जैसे नहीं ओके। दौती हो गया क्या चीज कैपिलरीज और फिर कैपिलरीज जब यूनाइट हुआ तब ये बन गया वेन्यूल। क्या हो गया ये हो गया वेन्यूल हो गया। आर्टेरियोल में कैसा ब्लड रहेगा ऑक्सीजनेटेड ओ टू एंड O2 is greater than CO2 होगा। और जब सेल का कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके ब्लड के अंदर मिलेगा इस ब्लड में मिलता जाएगा इस ब्लड में मिलता जाएगा क्या चीज CO2 मिलता जाएगा और ब्लड का ऑक्सीजन सेल में चलता जाएगा। इस तरह से ब्लड यहाँ से जब बाहर निकलना शुरू करेगा तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और ऑक्सीजन कम होगा और ऐसा ब्लड कहलाएगा डी ऑक्सीजन ब्लड। और वो डी ऑक्सीजन ब्लड जब जिस कैपिलरीज जिस ब्लड वेसल से पास होता है उसको क्या कहते हैं वेन्यूल कहते हैं। और ये वेन्यूल आ करके और फिर से एक लंबी सी किससे वेन से अटैच हो जाता है जिससे ब्लड बाहर निकलेगा ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज आपको वेन और इधर था क्या आर्टरी क्लियर एवरीबॉडी। तो ये हो गया कैपिलरी। यहीं पर क्या हो रहा है यहीं पर जो इस सेल सॉरी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रहा है सेल के अंदर जा रहा है। ब्लड के अंदर जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ पर जा रहा है सेल के अंदर जा रहा है क्योंकि ये जो वाल है ब्लड कैपिलरीज का वो ट्रांसपेरेंट है। मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर सॉरी ट्रांसपेरेंट परमिएबल है। क्या चीज है यहाँ परमिएबल है ओके। और वाटर अगर होगा इसके अंदर तो वो डिजॉल्व वाटर जो होगा किसके अंदर ब्लड के अंदर वो भी जाएगा सेल के अंदर। और सेल के अंदर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होगा वो निकल करके आ जाएगा कहाँ पर ब्लड के अंदर आ जाएगा और CO2 भी निकल करके ब्लड के अंदर आ जाएगा। इस तरह से जो ब्लड यहाँ से इस टिश्यू से निकलेगा वो ब्लड बिल्कुल गंदा हो जाएगा डिऑक्सीजन ब्लड हो जाएगा और उसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी मिक्स हो जाएगा और वो जिस ब्लड से पास करेगा दैट इज कॉल्ड द वेन। तो इस तरह से हम मैं ये समझ रहा हूँ कि आर्टरीज वेन्स और ब्लड कैपिलरीज आप लोगों ने बहुत अच्छा से समझ लिया होगा ओके स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद हम आगे की बात करते हैं जस्ट फ्यू मिनट्स कि इसके बाद है ब्लड क्लॉटिंग। क्या स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉटिंग आप नोट करें इसको फटाफट नोट करें
तो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट करें। ओके नाउ नेक्स्ट हम लोगों का है ब्लड क्लॉटिंग। बहुत सिंपल है ब्लड क्लॉटिंग, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों। ब्लड क्लॉटिंग चार्ट के फॉर्म में आपको मैं बता दे रहा हूं, पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख दूं और एक चार्ट के फॉर्म बताऊंगा, जो चार्ट आप इजीली वे में समझ जाओगे आप होल लाइफ के लिए आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके चलिए आप देखते हैं क्या ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग ब्लड का खून का रक्त का थक्का बनना आफ्टर द इंजरी, है ना, कटने फटने के बाद उस जगह पर क्या हो जाना, थक्का बन जाना, ताकि ब्लड का जो पासिंग है आउट हो रहा है वो रुक जाए। ओके नाउ इफ द इट इज द, ये क्या है ब्लड क्लॉटिंग, तो ये मैकेनिज्म है एक तरह का, इट इज द मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड, at the site of injury by forming a blood clot, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर इंजरी हुई रहती है उस जगह पर क्या बनता है, एक तरह का क्लॉट बन जाता है, एक तरह का थक्का बन जाता है जिस ब्लड का, जिसकी वजह से अंदर के जो ब्लड होते हैं वो उस कटे हुए पार्ट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये ऐसा एक मैकेनिज्म होता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब कैसे होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। नाउ द ब्लड प्लेटलेट सेल्स, द ब्लड, आप जानते हो ब्लड के अंदर तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड प्लेट RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो वही यहाँ ब्लड प्लेटलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। द ब्लड प्लेटलेट सेल्स प्लग दीज लीक्स, ठीक है, प्लग दीज लीक्स by helping to clot the blood at injury points. Okay students, and prevent excessive bleeding. अभी समझा रहे हैं आपको। The major events in blood clotting given in the following chart। आइए आपको बताते हैं हम। अभी मैंने लिखा कि इट इज द मैकेनिज्म, क्या एक तरह का ये मैकेनिज्म है, दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड, जो ब्लड के लॉस को कटने के बाद रोकता है और उस जगह पर थक्का बनाता है। द ब्लड प्लेटलेट सेल्स प्लग दिस लीक, जो ब्लड प्लेटलेट सेल्स होते हैं उस लीक को, जो इंजरी पार्ट वाला था उस लीक्स को, उस पॉइंट पर लीक्स को बंद करने में, वहां पर क्लॉट बनाने में मदद करते हैं, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हो पाए। द मेजर इवेंट, अब इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है जिसकी वजह से कटे हुए जगह पर, इंज्योर्ड प्लेस पर, इंज्योर्ड पॉइंट्स पर क्या हो जाता है कि ब्लड जा करके थक्का बन जाता है। तो आइए उसको हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। सबसे बड़ा इसमें मेजर रोल होता है ब्लड प्लेटलेट्स का, क्योंकि वही ये स्टार्ट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर ब्लड क्लॉटिंग का काम नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। ओके
तो आप देखोगे कि इंजियोड, आप यहां से देखें चार्ट जो बनाने जा रहे हैं, तो यहां पर है क्या, इंजियोड टिश्यू, क्या है, इंजियोड, इंजियोड टिश्यू हो गया यहाँ, यानी कटा हुआ प्लेस हो गया। और उस इंजियोड टिश्यू पर जब कटता है तो वहां से क्या निकलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स निकलते हैं। क्या निकला वहां से, ब्लड प्लेटलेट्स। कटेगा तो जाहिर सी बात है वहां से ब्लड निकलेगा, और उस ब्लड के अंदर क्या रहेगा, ब्लड प्लेटलेट्स रहेगा। वो ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है कि रिलीज करता है एक तरह के, रिलीज करता है क्या चीज, एक तरह का प्रोटीन रिलीज, और उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज। जैसे ही इंजियोड टिश्यू हुआ वैसे ही वहां का जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो रिलीज करेगा, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बो प्लास्टिन ये रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज थ्रोम्बो प्लास्टिन, ऐसे कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये किया क्या, रिलीज थ्रोम्बो प्लास्टिन, थ्रोम्बो प्लास्टिन को रिलीज किया, प्लास्टिन कौन रिलीज कर रहा है, ब्लड प्लेटलेट्स, ये रिलीज करेगा इंजर्ड प्लेस पर। किस चीज को रिलीज करेगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगा। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि जो ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है उस ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये याद रखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन है, ये निकल रहा है, कौन निकल रहा है, ब्लड प्लेटलेट्स, लेकिन ये एक्शन करेगा जा करके ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन पर, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन पर। तो अब यहां लिखते हैं प्रोथ्रोम्बिन क्या हो गया, प्रो थ्रोम्बिन, आई बात समझ में, प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन ये कहां पर है, ये प्रोथ्रोम्बिन इन ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं है। इसी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, एक्टिव करेगा, क्या करेगा, इसको एक्टिव करेगा, ठीक है, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन इस पर काम करेगा, यहां थ्रोम्बो प्लास्टिन वर्क करेगा किस पर, प्रोथ्रोम्बिन पर। और किसके प्रेजेंस में, तो कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देगा, इनएक्टिव से एक्टिव बनाएगा, जब ये एक्टिव हो जाएगा तब उसका नाम हो जाएगा थ्रोम्बिन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हो गया क्या चीज, एक्टिव, यहां इनएक्टिव था वहां हो गया एक्टिव। अब फिर ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक और चीज पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, ये भी प्रोटीन ही है, जो कहां पाया जाता है, फाइब रेनोजेन, ये भी क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है यार। तो इस फाइब्रिनोजेन जो होता है वो इनसोलुबल होता, सॉरी सोलुबल होता है, क्या होता है, सोलुबल, यानी कि ब्लड के साथ ये बिल्कुल मिक्स हुआ रहता है, उसमें घुला हुआ रहता है, डिजॉल्व रहता है, इसलिए मैंने लिखा यार सोलुबल। अब क्या करता है ये थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजेन को इनसोलुबल बनाएगा, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है यहां पर, अब थ्रोम्बिन किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को इनसोलुबल बना देगा और वो हो जाएगा क्या, फाइब्रिन, और ये हो गया क्या, इनसोलुबल, क्या बन गया, इनसोलुबल, यानी कि धागे, फाइब्रिन क्या हो गया, धागेदार रचना के फॉर्म में बना दिया उसको, ठीक है। तो अब ये जो धागेदार रचना होती है ये फाइब्रीन इनसोलुबल, ये जेल फॉर्म के हो, जेल के फॉर्म में होता है, जेल फॉर्म, ठीक है, फाइब्रीन क्या होता है, जेल के फॉर्म में होता है। अब ये फाइब्रीन क्या करता है, उस फाइब्रीन में आरबीसी आकर के इंटेंगल्ड हो जाता है और ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट कर गया। आप इसको ऐसे समझ लो कि यहां देख लो, ये हो गया ब्लड प्लेटलेट्स, क्या है यह सब,
ये सब ब्लड प्लेटलेट्स हमने मान लिया है, या क्या ये सब ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स हो गए स्टूडेंट्स। और ब्लड प्लेटलेट से क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकल रहा है, क्या निकल रहा है यहां से, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, ये ब्लड प्लेटलेट्स निकाल रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन को। और थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां भी देखते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन काम करेगा किस पर, प्रोथ्रोम्बिन पर काम करता है, ठीक है, ये काम किया किस पर, प्रोथ्रोम्बिन पर, है ना, ये कहां पर था, तो इन प्लाज्मा के अंदर था, ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन पर काम किया। प्रोथ्रोम्बिन ने क्या किया कि थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन पर काम किया, और इसके वजह से ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया किस में, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, थ्रोम्बिन अब फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा कि फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन काम करेगा फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन नेट में, फाइब्रिन नेट में, ठीक है, और फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट होगा फाइब्रिन नेट में। और जो फाइब्रिन नेट होगा वो कैसा होगा, यहाँ फाइब्रिन बना है, अब ये फाइब्रिन नेट का फॉर्म ले लेगा, ये एक फाइब्रिन हुआ, ये दूसरा फाइब्रिन, तीसरा, चौथा, लाइक दिस, ये अलग अलग फाइब्रिन होगा यह, ठीक है, और ये फाइब्रिन एक के ऊपर एक इंटेंगल्ड हो जाते हैं ऐसे, अब देख रहे हो, ये मालूम होली हमारा फाइब्रिन है, तो बहुत सारे फाइब्रिन एक के ऊपर एक ऐसे इंटेंगल्ड हो जाएंगे, तो ये फाइब्रिन एक के ऊपर क्या हो गया, यहाँ इंटेंगल्ड हो गया, एक के ऊपर एक अरेंज हो गया, आप देख रहे हो कि एक मेश का स्ट्रक्चर बन जा रहा है, या मेश का मतलब यहाँ क्या है, नहीं समझ, चलो जाली समझ लो, एक जाली के जैसा स्ट्रक्चर ये बन जाता है, ठीक है ना, कैसा, तो एक जाली के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बीच बीच में छोटा छोटा होल दिखाई देगा, तो उसी शेप में ये बन गया, क्या ये स्ट्रक्चर बन गया, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो जगह जगह है जो होल दिखेगा उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आकर के क्या हो जाते हैं, इसमें इंटेंगल्ड हो जाते हैं, और जब इंटेंगल्ड हो जाते हैं, जैसे सपोज डैट कि अगर इस पार्ट पर कटा हुआ है, अगर यहाँ पर मेरा कटा हुआ है, तो ये अंदर से जब ब्लड आया तो सबसे पहले वहां पर ये ब्लड प्लेटलेट्स ने काम किया, और ब्लड प्लेटलेट्स ये सारे काम को करते हुए लास्ट में क्या कर दिया, फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो गया इस जगह पर, और वो फाइब्रिन एक के ऊपर एक अरेंज हो गया। अब उधर से जो अंदर से जो ब्लड आएगा बाहर आने के लिए, उसमें क्या है, आरबीसी है, वो आरबीसी आएगा तो इस कटे हुए जगह पर इस तरह का मेश लाइक स्ट्रक्चर, जाली के जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, उसी जाली में आकर के आरबीसी क्या हो जाएगा, उस मतलब फंस जाएगा उसके अंदर, और अंदर से ब्लड बाहर आना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर अगर वहां पर धीरे से भी चोट लग गया तो उसकी वजह से ये मेश लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, फाइब्रिन बना हुआ है, वो फिर से ब्रेक हो जाएगा, फिर से ब्लीडिंग होने लगेगा, फिर से ये शुरू से काम होगा, तो फिर जाकर के वहां पर ब्लड जाके क्लॉट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लग मैं समझता हूँ लगभग सब लोगों ने इसको बहुत अच्छा से समझ लिया होगा, और इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग तो खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फैटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम के बाद हम लोग अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक पर, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।